आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। देशभर में गर्मी के बीच कभी भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया है अलर्ट। देश के अधिकतर इलाकों में गर्मी से बुरा हाल है। हालांकि कई स्थानों पर काफी समय से बारिश जैसा मौसम है और हल्की बारिश भी दर्ज की गई। वही मौसम विभाग भी आए दिनों कुछ न कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी दे रहा है। लेकिन बात करें राजधानी की तो शुक्रवार को लगातार 11वें दिन दिल्ली में हल्की बारिश होने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, जबकि मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा विभाग द्वारा कई दिन पहले 19 और 20 सितंबर को काफी स्थानों पर बारिश की चेतावनी दी गई थी। अब भारतीय मौसम विभाग की साइट से ताजा बुलेटिन के अनुसार आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल और माहे और तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, रॉयलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान उत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम बिगड़ने का अलर्ट है। वहीं 20 सितंबर की बात करें तो 20 सितंबर को मौसम विभाग ने यहां पर तटवर्ती कर्नाटक और केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना आंतरिक कर्नाटक में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, तमिलनाडु और पांडुचेरी, कराईकल क्षेत्र में यहां पर रविवार को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और कई स्थानों पर निम्न दबाव बनने से 20 सितंबर के आसपास ओडिशा में एक बार फिर से बरसात की संभावना है। इसी लिहाज से पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में यहां पर इस महीने के अंत तक मानसून वापस लौटने के आसार है। वहीं विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में मानसून की वापसी के लिए स्थिति अनुकूल होने की उम्मीद है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि सभी मौसम पैटर्न से एक है जो कि देखा गया है कि जब तक मानसून वापसी के लिए स्थिति अनुकूल हो जाती है तब तक यहां पर बारिश नहीं होगी। वहीं मौसम विभाग ने इस साल मानसून की वापसी की तारीखों को संशोधित किया है। नई सारणी के अनुसार मानसून के 17 सितंबर को वापस जाने की उम्मीद थी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र होने के कारण इनकी वापसी में देरी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी से ही ठंड के लिए स्थिति अनुकूल बनती है। वहीं मध्य और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने केरल, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शनिवार के लिए अलर्ट जारी किया था। वहीं यहाँ कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने शनिवार यहाँ पर सितंबर में पड़ रही और अप्रैल मई जैसी गर्मी की बात भी उन्होंने बताया कि इस स्थिति में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बादलों की बेरुखी जिम्मेदार है। सवाल है कि मानसून की विदाई न लेने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है, तापमान भी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदल दी है। कमाई के 3 गढ़वाल के 2 जिलों में बादलों ने डेरा डाल लिया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस बाबत में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शनिवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में यहाँ पर धूप खिली रही, हालांकि कुछ स्थानों पर शाम को बादलों ने डेरा डाला। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून और चमेली में आज से अगले 3-4 दिन यहां पर कुछ दिनों तक यहां पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा टहरी, उत्तम सिंह नगर और आसपास के इलाकों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी मैदानी जिलों में उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मानसून का अंतिम चरण में मानसून पहुंच गया है, अगले सप्ताह तक ये विदा हो जाएगा। इधर प्रदेश के ज्यादातर संपर्क मार्गों पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। कुछ भागों में मलबा आने के बाद इसे अवरोधों को अभी बार बार ठीक किया जा रहा है। वहीं देहरादून मसूरी मार्ग पर भी कालू केतु के पास यहां पर मलबा आने से करीब 1 घंटे तक यहां पर यातायात प्रभावित रहा है। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान देहरादून में 33.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। वहीं मसूर में यहाँ पर 24 डिग्री अधिकतम रहा है और न्यूनतम 15 डिग्री रहा है। वहीं टेहरी में 25.4 अधिकतम और न्यूनतम 18 डिग्री तापमान रहा। वहीं उत्तरकाशी में 26.6 और न्यूनतम 18.3, हरिद्वार में 36.0 और 25.9 यहाँ पर तापमान न्यूनतम रहा है। वहीं जोशीमठ में 25.5 यहाँ पर तापमान अधिकतम रहा। वहीं 15 यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा है। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जल्द ही मौसम में बदलाव देखा जाएगा। जाते जाते मानसून एक बार फिर अपना असर दिखाएगा। आने वाले कुछ घंटों में भोपाल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। घने बादल छाए रहने से तापमान में हल्की ठंडक हो गई है।
वही मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और भोपाल, होशंगाबाद और ग्वालियर, रीवा और सागर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। संभाग चंबल संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहा है। वही बात शनिवार की करें तो शनिवार को शाम को यहाँ पर भोपाल में मौसम बदल गया, जहाँ घने काले बादल छाए हुए है। आने वाले कुछ घंटों में भोपाल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ घंटों में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा यहां पर जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें सिविन और देवास और आसपास के इंदौर और उसके आसपास के जिलों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बिजली गिरने की भी यहां पर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसे मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के रीवा, शहडोल, इंदौर, होशंगाबाद संभाग, रतलाम, उज्जैन, देवास, सिविन और मंडला, बालघाट जिलों में बिजली गिरने की संभावना। इसके अलावा ज्यादातर जिलों में बिजली चमकने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल संभागों के जिलों में यहां पर बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इनके अलावा कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड में आज हो सकती है बारिश। राज्य के 16 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जिलों में आज बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने अगले 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि रांची समेत रामगढ़, बकौरो और गुमला और देवघर जैसे इलाकों में बारिश होगी। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो धनबाद, हजारीबाग और सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और खिरसिवा जैसे इलाकों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अभी हाल में ही झारखंड में हुई बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल के इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्वांचल के 42 जिलों में सर्वाधिक वर्षा, गोरखपुर में 24 घंटों में 39.9 mm बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार को पूरे उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में हुई है। मौसम से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि यहां पर रविवार को मौसम खुशनुमा रहेगा। आसमान में जगह जगह बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान जताया है कि यहां पर रविवार का दिन में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां पर 39.9 mm बारिश होने से गोरखपुर में यहां पर तापमान में गिरावट आई है। वहीं शुक्रवार के दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहा है। अधिकतम तापमान आर्द्रता यहां पर 47 और न्यूनतम 81% रही। इसके चलते उमस लोगों ने महसूस किया। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर यहां पर हल्की बूंद की बारिश जारी है। किसानों की फसलों की सिंचाई यहां पर किसान की तैयारी कर रहे थे, वही इससे किसानों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांड्या ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो 20 सितंबर शाम के उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इससे नमी बढ़ेगी और इसे 24 से 26 सितंबर के बीच बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा द्रोणिका ट्रफ का सिरा हिमालय श्रेणी पर स्थित है, वो जो पूर्वी सारा बरेली से निकलकर सुल्तानपुर, पटना, मलदा, बिहार होते हुए बंगाल होते हुए असम, नागालैंड तक जा रही है। एक दक्षिणी ट्रफ लाइन भी उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश से निकलकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक जा रही है। इसके चलते गोरखपुर रीजन में यहाँ पर 25 से 50 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते से अलविदा कहेगा मानसून। ओडिशा में भारी बारिश की है संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जाने की शुरुआत अगले हफ्ते के अंत तक होने की संभावना है। वहीं ओडिशा के अंदर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को लगातार 11वें दिन बारिश नहीं हुई, हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं होने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ये 37 से 40 डिग्री की सेल्सियस बीच रुक किया गया है। वहीं विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर से अब तक यहाँ पर 78% कम बारिश हुई है। कुल मिलाकर 1 जून से मानसून शुरू होने के बाद शहर में 717.8 mm बारिश की तुलना में यहाँ पर 506.5 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून दिल्ली में लंबे समय तक रहने और उसके जाने की शुरुआत अक्टूबर
नवंबर के शुरुआती दिनों में होने की संभावना है। इसी मौसम विभाग ने कहा है कि हालांकि पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पश्चिमी राजस्थान से वापसी से अगले सप्ताह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। वही विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने के कारण कई मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि उन मौसमों के पैटर्न में एक है जो कि तब दिखता है कि जब मानसून के लिए स्थिति अनुकूल होती है। 20 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में मानसून बारिश की संभावना यहां पर नहीं देखते हैं। वही मौसम विभाग ने केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में यहां पर रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गोवा के लिए रविवार को यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वही उड़ीसा में राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से कहा है कि वे किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके तहत उड़ीसा के कई हिस्सों में 23 सितंबर तक तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वही उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में पूर्वी बंगाल की खाड़ी और के ऊपर 55 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने यहां पर मछुआरों को 20 सितंबर से ओडिशा तट से गहरे समुद्र तक नहीं उतरने की सलाह दी है। कहा है कि गहरे समुद्र में रहने वाले को रविवार तक तटों पर लौटने की सलाह यहां पर दी जाती है। वही मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मद्देनजर विशेष राहत अधियुक्त पी के जाना ने यहाँ पर जिलाधिकारी को एक सप्ते एक सलाह जारी की है और उनसे कहा है कि बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने के लिए तैयार रहें। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भारी बारिश के बाद जायवाड़ बांध के सभी 37 गेट यहां पर खोल दिए गए हैं। जायकवाड़ी बांध से छोड़ा गया पानी 94,320 क्यूसिक पानी पर यहाँ पर छोड़ा गया है। हालांकि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और आर्द्र बना रहेगा। पंजाब खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में